नमस्कार साथियों, आज हम एक अच्छे अच्छे टॉपिक पे ऐसे टॉपिक पे हम बात करेंगे कि यार एक बंदा घड़ी पहन के आता है और उसको एयरपोर्ट में गिरफ्तार कर लिया जाता है। वाह, ऐसा क्यों हो सकता है? एक बंदा घड़ी पहन के आया, उसको कस्टम विभाग वाले रोक लेते हैं, घड़ी भी ले लेते हैं, जब्त कर लेते हैं और उसको गिरफ्तार कर लिया जाता है। ऐसा क्यों, क्या रीजन हो सकता है? घड़ी पहन के आना वह गुना है इसका क्या? आपको डिटेल से हम बात करेंगे भाई, इस घड़ी में ऐसा क्या था कि इनकम टैक्स या जो टैक्स विभाग वाले उनको अलग से पकड़ के लेके आते हैं और उनको घड़ी खुलवा लेते हैं, उसकी पूरी जांच पड़ताल कर लेते हैं। जी हाँ, डिटेल से हम बात करेंगे। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर करिए, चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लीजिए, भाई फेसबुक पेज वाले पेज को फॉलो करके रखें ताकि हर रोज आपको गल्फ से रिलेटेड, दुबई से रिलेटेड नई नई अपडेट मिलती रहे। तो चलिए शुरुआत कर लेते। एक्चुअल में एक बंदा था, जो बता दूं, शारजा से दिल्ली एयरपोर्ट पे पहुंचता है। जी हाँ, उसके हाथ में कुछ घड़ी ऐसी थी कि जो मान सकते हैं आप, जो एयरपोर्ट पे कस्टम अधिकारी होते हैं वो घड़ी उनको दिख जाती है, उनकी नजर उस घड़ी पे पड़ जाती है तो वो उनको साइड में कर लेते हैं। जी हाँ, घड़ी खुलवा भी लेते हैं, घड़ी की जांच पड़ताल की जाती है। तो बता दूं, दुबई में उस घड़ी की कीमत है 20 लाख रुपए। जी हाँ, 20 लाख रुपए की घड़ी थी भाई, ऐसी नॉर्मल घड़ी नहीं थी कि 10-15 हजार की घड़ी थी उसको रुकवा लिया, नहीं, 20 लाख की घड़ी थी, इस वजह से उनको रोकना पड़ा। इस घड़ी का नाम बता दूं, फ्रैंक मुलर है। इंडिया में लगभग 20 लाख की घड़ी है, वी में ये घड़ी आती है लगभग 16 लाख रुपए की। जो टैक्स है 4 लाख का, उसका पूरा जोड़ पड़ गया इसमें। सीमा शुल्क अधिनियम 104 के तहत उसको गिरफ्तार कर लिया जाता है। जी हाँ, इससे पहले भी जब उससे जांच की गई, पूछताछ की गई, तो उसने बताया कि 18 लाख का गोल्ड मैं पहले भी लेके आ चुका हूं, उसमें भी वो उसको अरेस्ट किया जा चुका है, यानी उसके ऊपर सीमा शुल्क लगता है। वो तो क्या है, 20 लाख से नीचे में तो वही है, शुल्क लो, उसका चार्जेस लगता है, वो टैक्स लो के छोड़ दो, बस बात खत्म हो जाती है। अब ये घड़ी देखिए, इसके घड़ी में गोल्ड भी लगा हुआ था, ठीक है, और 20 लाख की घड़ी है। तो आपको पता है भाई, इतना सामान आप एयरपोर्ट पे लेके आते हो तो आपको टैक्स देना पड़ता है, सीधी सीधी बात है, 12% टैक्स है, वो आपको देना पड़ेगा। अलग अलग सीमा, इलेक्ट्रॉनिक पे अलग है भाई, इलेक्ट्रॉनिक पे तो बहुत ज्यादा सो है, लगभग मेरे हिसाब से 36 के करीब है, इतना ऊपर टैक्स देना पड़ेगा। तो आप समझ सकते हैं, ये 4 लाख का वो शुल्क है ना, इसके चक्कर में उसको गिरफ्तार कर लिया गया। जी हाँ, ये घड़ी मैं बता दूं, फ्रैंक मुलर घड़ी है, जो सबसे ब्रांडेड लोग होते हैं, महंगे लोग होते हैं, वो इस घड़ी को पहन सकते हैं भाई, वीआईपी लोग इनको मान सकते हैं। जी हाँ, 2019 में इस घड़ी ने अपने इंडिया में जो रणवीर सिंह है उसको ब्रांड एम्बेसडर इस घड़ी का बनाया था। ये कंपनी मूल रूप से स्विट्जरलैंड की कंपनी है, जो 1958 में ये कंपनी बनी थी। जी हाँ, जिसमें एक पागल टाइप का एक व्यक्ति था, उसने ये घड़ी बनाई थी। सेम इस घड़ी की अगर आंकलन किया जाए तो आईफोन की तरह है, उतनी महंगी है, उसी तरह आईफोन से तो बहुत कई गुना महंगी है, लेकिन कहने का मतलब क्रेज है आईफोन की तरह, इतनी महंगी घड़ी है, हर आदमी इस घड़ी को पहन नहीं सकता। ये बंदा पहन के आया तो भाई कस्टम विभाग की नजर पड़ गई, इसको अलग से पकड़ के गिरफ्तार कर लिया गया और उसका टैक्स लेके उनको छोड़ देंगे, और तो इससे ज्यादा क्या होने वाला है। तो भाई, महंगा आप प्रोडक्ट लेके आते हैं, कोई भी सामान लेके आते हैं, एयरपोर्ट टैक्स पे टैक्स अधिकारियों की नजर पड़ जाएगी, तो आपको घड़ी खुलवा भी सकते हैं, कपड़े भी निकलवा सकते हैं, चेक भी कर सकते हैं, उससे ऊपर होगा तो फिर मुकदमा भी ये लगा सकते हैं और रिकवरी भी ये कर सकते हैं, क्योंकि इनके पास पावर है। क्योंकि ये पावर क्या है, सीमा शुल्क अधिनियम की धारा 104 में ये पूरा प्रोसेस चलता है कि सीमा का शुल्क देके जाइए भाई, दूसरी सीमा से आप लेके आए, इंडिया की सीमा में घुस गए, टैक्स कहां दोगे, टैक्स भी तो चाहिए ना सरकार को, वो टैक्स लेने के लिए इनको गिरफ्तार कर लिया गया। तो बस ये अपडेट आप लोगों के साथ शेयर करनी थी, वीडियो अच्छा लगे लाइक शेयर करिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अच्छी जानकारी के साथ। जय हिंद, जय